नमस्कार दोस्तों, आज चैनल ट्रू फैक्ट्स के द्वारा एक होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा के सिम्टम्स के विषय में बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा के सिम्टम्स। एलियम सीपा औषधि प्याज के रस से बनाई जाती है। प्याज का रस आँख और मुंह में लगने से जुकाम के सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लाभकारी है। एलियम सीपा औषधि में एक प्रकार की ऐसी उत्तेजना होती है जो आँख तथा नाक में रोगी की अवस्था पैदा करती है, जिसके कारण छींकें आने लगती है तथा आँखों से पानी गिरने लगता है। होम्योपैथिक के अनुसार यह नाक की सर्दी को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन कुछ खास प्रकार के सर्दी जुकाम में ही यह औषधि क्रियाशील है। एलियम सीपा औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी है। पहला, जुकाम से संबंधित लक्षण। दर्द के साथ नाक से पानी निकलना तथा बार बार छींकें आने पर एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दर्द के साथ नाक से पानी निकलता है और बार बार छींकें आना, एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के नाक से पानी बहने के कारण होंठ का ऊपरी भाग तथा नाक की खाल छिल सी जाती है। आंखों से भी बहुत पानी गिरता है, लेकिन इस पानी से खाल नहीं छिलती है। इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि सिर में दर्द शाम के समय में तथा कमरे के अंदर रहने से बढ़ता हो और खुली हवा में जाने से कम हो रहा हो, तो एलियम सीपा औषधि का प्रयोग लाभकारी है। गले से संबंधित लक्षण। सांस लेने की नली से बहुत अधिक श्लेष्मा यानी कफ निकल रहा हो तथा वह भी सर्दी तथा जुकाम के कारण। जब रोगी खांसता है तो उस समय कफ निकलने के साथ साथ गले में घुर घुर की आवाज होती है। ऐसे रोग का उपचार करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। आंखों से संबंधित लक्षण। आंखों में बहुत अधिक आंसू निकलने लगता है तथा रोगी को ऐसा महसूस होता है कि आंख में कुछ कंकर गिर गया है और आंखों में जलन तथा ऐंठन हो रही है। यदि आंसुओं से आंखों में कोई जलन नहीं होती है तथा आंसू निकलने के कारण आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। रोगी को सिर में दर्द महसूस होता है, इसके साथ साथ जुकाम तथा सर्दी भी हो जाती है और गर्म कमरे में रहने तथा शाम के समय में दर्द अधिक बढ़ जाता है, लेकिन खुली हवा में रहने पर दर्द कम होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को उपचार करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। छोटे बच्चे से संबंधित लक्षण। यदि छोटे बच्चे को सर्दी तथा जुकाम हो गया हो तथा उसके साथ जुकाम की अवस्था बहुत अधिक बिगड़ गई हो, तो वह सांस लेने वाली नली को बहुत अधिक प्रभावित कर देता है। गले में गड़गड़ाहट पैदा हो जाती है तथा खांसी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार के लक्षण बच्चे में है, उसका उपचार करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यह औषधि ऐसे लक्षणों को दूर करने में बहुत लाभकारी है। मासिक धर्म से संबंधित लक्षण। मासिक धर्म के समय में स्त्रियों के सिर में दर्द नहीं हो रहा हो तथा मासिक धर्म के समय के बाद रक्तस्राव बंद हो जाने के बाद सिर में दर्द शुरू हो रहा हो, तो इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग बहुत लाभदायक है। स्तन वक्ष से संबंधित लक्षण। सर्दी तथा जुकाम होने के साथ साथ स्तन भी रोगग्रस्त हो गया हो तथा खांसी के साथ बहुत अधिक कफ निकलता हो और घबराहट हो, तो एलियम सीपा औषधि का प्रयोग लाभदायक है। मोच से संबंधित लक्षण। मोच आने या हड्डियों का खिसकने पर दर्द अधिक हो रहा हो तो कच्चे प्याज तथा आंबा हल्दी के साथ एलियम सीपा औषधि को मिलाकर पट्टी करने से आराम मिलता है। मूत्राशय तथा मूत्रपथ से संबंधित लक्षण। मूत्राशय और मूत्र मार्ग में अधिक कमजोरी महसूस होना
मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ने के साथ ही दर्द होना, सर्दी जुकाम होने के साथ साथ बार बार पेशाब आना तथा पेशाब करने में परेशानी महसूस होना, मूत्राशय में जलन और दबाव होने के साथ लाल पेशाब होना, इस प्रकार के लक्षणों में एलियम सीपा औषधि का प्रयोग बहुत लाभकारी है। पेट से संबंधित लक्षण, उदर से संबंधित लक्षण, पेट में बहुत अधिक गड़गड़ाहट हो रही हो तथा अधिक गर्मी लग रही है और उसके साथ सर्दियुक्त जुकाम हो गया हो, प्यास लग रही हो, इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, शरीर के कई अंगों में गर्मी की लहरें महसूस हो रही हों तथा उसके साथ ही सर्दियुक्त जुकाम हो गया हो तो एलियम सीपा औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। रोगी के चेहरे, छाती, सिर और गर्दन की नसों में एक प्रकार का स्नायविक यानी नाड़ियों का दर्द होता है और रोगी महसूस करता है कि यह दर्द लंबे समय तक बना रहेगा, तो ऐसी स्थिति में रोगी को एलियम सीपा औषधि देना चाहिए जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन से संबंधित लक्षण, ऑपरेशन की सहायता से प्रसव यानी बच्चे को जन्म होने के बाद जरायु, बच्चेदानी के छिन्नभिन्न नसों में व किसी अंग को काट डालने के बाद उसके टूटे नसों में जलन, दर्द होना और दर्द, ऐसी अवस्था में होने पर एलियम सीपा औषधि का प्रयोग लाभकारी है। प्रसव के बाद से संबंधित लक्षण, बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री की अंगुलियों में कभी कभी सूजन आ जाती है तथा बांह पर लाल लकीरें पड़ जाती है, यह एक प्रकार का फोड़ा बड़ा ही कष्टदायक होता है तथा इसके कारण रोगी स्त्री दिन रात तड़पती रहती है और इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट दर्द से संबंधित लक्षण, पैर भीग कर ठंडा पड़ गया हो, बहुत ज़्यादा खाने, खीरा या कच्चे साग तथा अचार खाने, बवासीर से उत्पन्न, छोटे बच्चों के पेट में दर्द, बैठे रहने से दर्द होना, चलने फिरने से दर्द में कमी होना, इस प्रकार की अवस्था में एलियम सीपा औषधि का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसी अवस्था में ठीक करने में यह औषधि लाभकारी है। पैर से संबंधित लक्षण, पैर में घाव या एड़ी में जूते की रगड़ से या अन्य किसी प्रकार की रगड़ लगकर घाव हो जाने पर एलियम सीपा औषधि का प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक होता है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक के अंदर की मांसपेशियों के अंदर खुनसियाँ हो जाने पर एलियम सीपा औषधि बहुत उपयोगी है। वृद्धि एग्रेवेशन, शाम के समय और गर्म कमरे में रहने पर रोग के लक्षण में वृद्धि होती है। शमन एमेल्योरेशंस, खुली हवा में रहने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। संबंध रिलेशंस, कुछ गुणों में एलियम सीपा औषधि की तुलना यूफ्रेसिया औषधि से कर सकते हैं लेकिन आंसू निकलने की स्थिति में इसके विपरीत भीगने के कारण हुए रोग में रस्टॉक्स औषधि के साथ इसका संबंध है। फॉस पल्स थूजा औषधि के लिए एलियम सीपा औषधि का पूरक संबंध है। नाक के अंदर यदि फुंसियाँ मांसार्बुद होने पर कैल्केरिया और सैलिसिया औषधि के पहले एलियम सीपा औषधि उपयोगी है। प्रतिविष अरणिका कमोन वेराट्रम, दोषों को दूर करने वाला एलियम सीपा औषधि के अधिक सेवन करने से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए फास्फोरस थूजा पल्स औषधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा, एलियम सीपा औषधि की तीसरी शक्ति का प्रयोग ठीक से रोगी के अनुसार करना चाहिए, रोग के अनुसार करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।